क्या पर्सनल टेक है अयोध्या मामले में? पर्सनल टेक देखिए, अयोध्या मामले में जो कुछ हुआ मैं पर्सनल टेक नहीं दे सकता, लेकिन यह है कि ये मुद्दा ऐसा है कि देश में बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 5 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में, आपको और बताऊं, 5 दिसंबर से सुनवाई होने जा रही है, डे टू डे सुनवाई अयोध्या मुद्दे पे होने जा रही है। और उसमें कहा गया है 5 दिसंबर से जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, डे टू डे सुनवाई कर रहा है, कि बिना किसी एडजॉर्नमेंट के सुनवाई होगी। तो ये जो मुद्दा है ये एकदम तात्कालिक है, 25 साल हो रहे हैं। तो मेरा पर्सनल टेक इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये तो देश की जनता और उच्चतम न्यायालय तय करेगा, हम लोग कुछ नहीं है। हम लोगों ने तो जो कुछ हुआ है वो उठा के रखने का प्रयास किया है, बाकी उच्चतम न्यायालय तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि चूंकि सुनवाई होने जा रही है, 25 साल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुद्दा कहीं ना कहीं देश को प्रभावित कर रहा है इस समय में। सर, सेंसर बोर्ड के साथ आपकी जो स्ट्रगल थी उसके बारे में जरा इन ब्रीफ बताइए। सेंसर बोर्ड के साथ जो हुआ, सेंसर बोर्ड ने तो पिक्चर का ट्रेलर देख के ही हाथ खड़े कर दिए थे। उस सेंसर बोर्ड का ये कहना था ये पिक्चर मतलब जिस तरह से होता है कि वो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ हम लोगों ने प्रयास किया। अब सेंसर बोर्ड में अपना काम है करना, कब क्या करता है तो सेंसर बोर्ड ही बता सकता है। ओके, तो बिना कट्स के यूए सर्टिफिकेट आपको मिला है जी? ओके, तो इसमें मतलब किसका मतलब इन्फ्लुएंस रहा है? मतलब इतना स्ट्रगल के बाद कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, मतलब हमने अपना प्रयास किया अच्छा बना। लेकिन प्रसून से आपकी बात हुई थी? प्रसून से तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमारा तो ऊपर से हुआ है, कैट से हुआ है। अच्छा, ओके, उसी तो बाद में आए हैं। ओके, मैं तो पहले प्रहलाद नंदानी समय में रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद एफकेट से हुआ ट्रिब्यूनल से। अच्छा, अब क्या हुआ है, क्यों हुआ है, तो ये है, आप लोग जान सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। पर हाँ, हमें इस समय परमिशन दी है तो हम अपना काम कर रहे हैं। प्लीज, ये फिल्म कितना सेंसेशन लेके आएगी और क्या क्या आप चाहते हैं? मुद्दा देखिए कहीं ना कहीं सेंसेशन से जुड़ा रहता है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि कोई सेंसेशन के बिना एक अच्छा संदेश जाए और अच्छा संदेश देश को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का। क्या क्या है आपका संदेश इस फिल्म के द्वारा? जोड़ के रखे हैं देश को, तोड़ने से काम नहीं होता। ये फिल्म का संदेश तो देखिए आप फिल्म देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा, इतना तो नहीं मैं रिवील करूंगा। पर एक अच्छा प्रयास है कि अगर जो कुछ हो रहा है, एक अच्छी लव स्टोरी है, एक हिंदू मुसलमान की प्यार की कहानी है, पीछे बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा है, जहाँ देश में हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं, वहाँ हिंदू और मुसलमान प्यार भी कर रहे हैं। तो एक अच्छा सब्जेक्ट लेके पिक्चर को डिजाइन किया है, और लेकिन सब कुछ बताया भी है कि अयोध्या का मुद्दा क्या था, बाबर से लेके अब तक का क्या क्या हुआ। तो एक पिक्चर के लिए एक अच्छा प्रयास किया है, बाकी तो दर्शक जैसा चाहेंगे अच्छा वैसे ही होगा। कोई बीजेपी लीडर से किसी को दिखाने की कोई? हाँ, अडवाणी जी को शीघ्र हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, योगी जी अडवाणी जी दोनों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अडवाणी जी इस मुद्दे से जुड़े रहे, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि अडवाणी जी और मुलायम सिंह जी दोनों ही मेट के साथ देखें और दोनों को साथ बैठ कर दिल्ली में दिखाएंगे पिक्चर, और उम्मीद करते हैं कि उन्हें पिक्चर जैसा भी चाहेंगे अच्छी लगेगी। तो बातचीत जारी है उनके साथ? अडवाणी जी को हमने भेज दिया है ऑफर लेटर, और शीघ्र ही उनका कल जन्मदिन है 90 साल का, उसके बाद में हमें उनको समय मिलेगा और वो शीघ्र ही पिक्चर देखने आएंगे दिल्ली में। तो क्या एक कोइंसिडेंस है कि गुजरात इलेक्शंस के टाइम पे आपकी फिल्म भी रिलीज हो रही है, या फिर कैसे देखते हैं आप इसको? ये तो और क्या क्या प्रभाव डाल सकता है इसका? देखिए अयोध्या का मुद्दा तो अगर योगी जी दीपक जलाते हैं वहां पे तो भी प्रभाव डाल देता है, तो अयोध्या का नाम क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो गुजरात की जनता तय करेगी, लेकिन हमने अपना प्रयास किया है अच्छे से अच्छा दिखाने का। ठीक है, थैंक यू सो मच।